पैराशूट ऑयल बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है, सबने बचपन में भी यूज़ किया हुआ, पुराना ब्रांड है, 90s का ब्रांड है। लेकिन इसको लेके बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट भी है, जैसे कि मेरा फ्रेंड यूज़ करता है, उसके दिमाग में था क्या ये 100% प्योर कोकोनट से बना हुआ है। तो सबसे पहले इसकी प्राइस बता दूँ, 20 रुपये का मिलता है और 50 ml का इसका साइज़ होता है। 50 ml आपको मिलता है 20 रुपये में, मतलब 100 ml आपको मिल जाता है सिर्फ 40 रुपये में। काफ़ी सस्ता है, चीप है। अब बात आती है, क्या ये 100% नेचुरल है? क्या इसको सिर्फ सर पे ही लगा सकते हैं या पी भी सकते हैं? ठीक है, देखो इन्होंने यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये 100 इंग्री, सिंपल लिखा होता है। जैसे कि मैं आपको ब्रांड दिखाता हूँ, मेरे पास पतंजलि का है, उन्होंने यहाँ साफ साफ लिखा है इंग्रेडिएंट सिर्फ कोकोनट ऑयल और कुछ भी नहीं। मतलब इस ऑयल को खा भी सकते हो, पी भी सकते हो, लगा भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब बात आती है, क्या इसको भी ऐसा कर, इन्होंने साफ साफ कुछ नहीं लिखा, लेकिन जब मैंने ऑनलाइन जाके चेक किया, 3 4 जगह चेक किया, तो मेरे को मिला कि इन्होंने सिर्फ 100% प्योर कोकोनट ऑयल यूज़ किया है। यहाँ पे साफ साफ नहीं लिखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं कोकोनट ऑयल समझ के ही यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप कोई इतनी अच्छी चीज़ बना रहे हो और इतना सस्ते में दे रहे हो, आपको थोड़ा साफ साफ यहाँ मेंशन करना चाहिए कि हाँ ये इंग्रेडिएंट में जस्ट कोकोनट ऑयल यूज़ किया है। आप इतना बड़ा लिख दोगे कौन पढ़ेगा? ऐसे पतंजलि ने कितना साफ तरीके से सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पे इंग्रेडिएंट में सिर्फ कोकोनट ऑयल। अब इसकी बात अगर मैं करूँ, ये 200 ml मेरे को मिल जाता है 85 रुपये का, 200 ml 85 रुपये में। ये अगर मैं बात करूँ 200 ml में लेने जाऊँ, ये मेरे को मिलेगा, अगर 100 ml मिल रहा है 40 में, ऑलमोस्ट सेम प्राइस, ये 80 रुपये का पड़ेगा, ये 85 का है। पतंजलि क्या थोड़ा ब्रांड तगड़ा बन गया अभी, तो प्राइस इन्होंने थोड़ा खींच के रखी हुई है हर प्रोडक्ट की, बट प्राइस दोनों की सेफ है। और ये जो पैराशूट का मेरे पास है, ये आप यूज़ कर सकते हो, खा भी सकते हो, पी सकते हो, लगा सकते हो, तड़का लगाने के लिए यूज़ करते हो, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये 100% प्योर कोकोनट से बना हुआ है। इसका इसके कोई आपको ऐसा नहीं होगा कि अगर आप खा लोगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी चीज़ है, आप यूज़ कर सकते हो।